आपने प्रीसी ट्रेनिंग किया हुआ है, वो हो सकता है सीसीएमसी, जीपी रेटिंग, डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीई बीटेक मरीन, जीएमई और ईटीओ। ये सपोज सात फील्ड में, कोई भी फील्ड में आपने प्रीसी ट्रेनिंग लिया है और आप पास आउट हो गए, इंस्टीट्यूट से पास आउट हो गए, तो हो सकता है कि आपका प्लेसमेंट पहला हो चुका हो, या बाद में इंस्टीट्यूट आपको थोड़ी सी प्लेसमेंट के लिए मदद कर सकती है। अदरवाइज यू विल बी हाई एंड ड्राई एंड सर्चिंग व्हाट टू डू। फर्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन आपके सामने जो रहेगा वो है प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट के साथ साथ आपको और क्या करना है इसके बारे में जानकारी ज़्यादा करके इंस्टीट्यूट्स नहीं दे रहे हैं। और हो सकता है आपको यहाँ वहाँ सीनियर्स से पूछ पूछ के ये इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ रहा है, इसीलिए ये वीडियो तैयार किया हुआ है कि आप पास आउट होने के बाद, ये देखिए ये पासिंग आउट परेड चल रहा है, ये एप्लेट्स वेयरिंग सेरेमनी है, ये पासिंग आउट है, और इसके बाद में शिप में ज्वाइन करने तक इन बिटवीन आपको क्या करना है, कौन से कोर्सेज करना है और कौन सा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये जानकारी के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। इसी का शीर्षक दिया हुआ है, प्रिपेरेशंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीसी कोर्स प्रायर ज्वाइनिंग शिप। तो क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या करना पड़ेगा, लेट अस डू इट क्विकली। 5 STCW कोर्सेस, ये आपको खाली जीपी रेटिंग और सीसीएमसी, ये दो ही कोर्स के सिलेबस में इंक्लूडेड है, और आपने ये दो कोर्स किए हैं तो आपके ये सारे पांचों कोर्स हो चुके हैं और आप एलिजिबल है सीडीसी एप्लीकेशन के लिए। लेकिन रिमेनिंग कोर्सेस है, डीएनएस है, बीई मरीन इंजीनियरिंग है, जीएमई है, ईटीओ है, तो इसमें आपको आपका प्रीसी ट्रेनिंग होने के बाद ये एसटीसीडब्ल्यू बेसिक कोर्सेस करने की ज़रूरत है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एसटीसीडब्ल्यू यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सीडीसी। प्लेसमेंट आपका हो सकता है हो चुका है, या इंस्टीट्यूट आपको थोड़ी सी मदद करे आफ्टर पासिंग आउट, अदरवाइज आपको तो खुद को प्लेसमेंट ढूंढना है। तो अदर देन प्लेसमेंट क्या क्या आपको करना है वो देखिए। एक है SID, सी फेयरर्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, येलो फीवर वैक्सीनेशन, ऑक्टा एंड GTFC कोर्सेस एंड DCA एंडोर्समेंट, PPF अकाउंट एंड NRI एंड NRO अकाउंट, ये खोलना है। तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और ये दो कोर्स है, एक का नाम है ऑक्टा, दूसरे का नाम है GTF। तो ऑक्टा है ऑयल एंड केमिकल टैंकर ऑपरेशंस एंड गैस टैंकर फैमिलराइजेशन कोर्स। तो ये दोनों कोर्स करके रखना अच्छा है। तो ये कोर्स का ड्यूरेशन है, एक का है 6 days, दूसरे का है 5 days। सो 2 week में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इन एनी मेरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड इसके बाद में भी एग्जिट एग्जाम होगा, असेसमेंट होगा, ई लर्निंग होगा, वो सारा प्रोसीजर सेम रहेगा जो आपने एसटीसीडब्ल्यू के साथ जो किया था वो। ये दोनों कोर्स करने के बाद डीसी एंडोर्समेंट डीजी शिपिंग के साइट में जाके अप्लाई करके गेट दिस सर्टिफिकेट, डीसी एंडोर्समेंट फॉर ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स एंड डीसी एंडोर्समेंट फॉर गैस टैंकर्स टू ज्वाइन फर्स्ट टाइम एनी केमिकल और ऑयल टैंकर और गैस टैंकर। सो व्हाट हैपन्स व्हेन इन केस समबडी इज रेडी टू प्लेस यू, और यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय सम कंपनी एंड सडनली सम रिक्वायरमेंट कम्स,
और आपने ये कोर्सेस करके रखे हुए हैं और ये एंडोर्समेंट आपके पास है, तो कभी कभी हो सकता है आउट ऑफ टर्न भी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टू कंप्लीट। कोई भी कंपनी होने दो, यू आर नॉट प्लेस्ड ऑल्सो एनी वेयर, स्टिल यू मस्ट कंप्लीट दिस बोथ कोर्सेस एंड टेक दिस डीसी एंडोर्समेंट सो दैट योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड आर बिकमिंग बेटर। दोनों कोर्स के लिए ईच कोर्स का फी है 3,500 अराउंड। सो कभी 3,000 हो सकता है, 3,600 हो सकता है। सो ईच कोर्स के लिए 3,500, तो करीब करीब 7,000 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा, प्लस लॉजिंग बोर्डिंग, तो मतलब बाहर रहना पड़ेगा या इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा फॉर नियरली 14 डेज। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स दे विल एक्सप्लेन यू हाउ टू अप्लाई एंड गेट डीसी एंडोर्समेंट विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन। दिस सर्टिफिकेट विल बी गिविंग यू एडवांटेज फॉर प्लेसमेंट एज वेल एज फास्ट ज्वाइनिंग ऑन शिप। सो ये अनदर रिक्वायरमेंट है जो मस्ट यू शुड डू ड्यूरिंग योर आइडलिंग टाइम इमीजिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रीसी कोर्सेस। क्या आपको पता है कि सीमेन का जॉब जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड यू डू नॉट गेट एनी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, एंड जब तक आप मेडिकली फिट हो तब तक ही आपके पास जॉब है। मेडिकली फिट नहीं है तो शिप में आप नहीं जा सकते। तो टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी एंड टू हैव सम फिनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड टू बैकअप सोर्स ऑफ फिनेंस, यू मस्ट ओपन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट विच इज कॉल्ड एज PPF। ये अकाउंट आप कोई भी स्टेट बैंक के ब्रांच में जाके खोल सकते हैं 1,000 रुपये में, और हर साल उसमें 1,000 रुपये जमा करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है, 1,000 रुपये जमा करो या ज़्यादा से ज़्यादा जमा करो, तो ये एक तरीके का सेविंग हो जाता है। और ये अकाउंट का मैच्योरिटी होता है 15 साल के बाद में। इसमें इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट अच्छे देता है। कितना देते हैं, तो 8% पर एनम, 7.5%, 7.75 हर साल डिक्लेयर होते रहता है, और वो टैक्स फ्री भी है। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें PPF में टैक्स फ्री है, और आपको जब भी आप रिटायरमेंट ले लोगे तभी आपका ये सेविंग और ये आपका पेंशन बन सकता है। सो PPF अकाउंट ओपनिंग इज ऑल्सो मस्ट एक्टिविटी। और एक आपको अकाउंट खोलने की जरूरत है एज सी फेयरर, उसको बोलते हैं NRI एंड NRO अकाउंट। ये ज़्यादा करके आप फॉरेन कंपनी के शिप में काम करोगे, फॉरेन फ्लैग होगा, आपकी सैलरी आपको डॉलर्स में मिलेगी, तो डॉलर्स में सैलरी अलॉटमेंट के रूप में NRI अकाउंट में आ सकती है, और बाद में आप NRI अकाउंट से NRO अकाउंट में रुपीज में सैलरी कन्वर्ट करके ले सकते हैं, और यहाँ से आप नॉर्मल अकाउंट जैसा रुपी निकाल सकते हैं बैंक से। तो NRI अकाउंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो कंपनी आपको जॉब देने वाला है, दैट कंपनी मे प्रिफर सम स्पेसिफिक बैंक, तो जिनको उनको आसान पड़े कि अकाउंट आपका अलॉटमेंट इजीली ट्रांसफर करने के लिए। तो किस कौन से बैंक में ये आप अकाउंट खोल सकते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HSBC बैंक, HDFC बैंक, ये सारे बैंक में एक अकाउंट खोल के रखिए। आपके पास थोड़ा सा पैसा है या जीरो बैलेंस अकाउंट यू कैन ओपन, और वंस यू आर प्लेस्ड देन कंपनी विल टेल यू, मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर आस्किंग यू टू ओपन अकाउंट ऑन HSBC, बट दे हैव नो प्रॉब्लम इफ यू हैव अकाउंट इन SBI, ICICI, HDFC। सो ये क्यों, ये सारे इंडियन बैंक है, तो इसीलिए कोई भी बैंक में अकाउंट खोल लीजिए, और आपको ये US डॉलर डिपॉजिट करने के लिए आसान हो जाएगा, और कंपनी को भी सुविधा होगा आपका अलॉटमेंट भेजने के लिए।
So this is one more requirement, which is also time consuming. So whenever you are idling at home prior going on ship, please open this sort of account in bank. So I hope ki jo ye information maine provide kiya hai through this video is very useful to you. Please complete all these formalities whether you are placed or not placed. Okay, and do not waste time at home. Please complete these formalities and be ready for placement and joining the ship. So thank you very much for watching this video and your time. Please like, share and subscribe. Captain Jog is signing off here.